हेलो यारों हेलो 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 तुरुरु तुरुरु के हेलो 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 यस पीपल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बैठे बेटर बेटर क्या बात है तूफान थोड़े से यहां से फूल गए क्या बात है बट अरे हे hey, भगवान आज तो गजब ही हो गया <clears throat> कैसे हो यार बहुत लंबे समय बाद देखना हुआ चश्मा शम्मी चेंज कर लिया हाँ? टीवी, टीवी वो ये होता है। इस कारण से माय गुडनेस माय गुडनेस और दोनों की गाल फुल गए थोड़े से हे <laughs> भगवान क्या बात है छुट्टियों के पूरे मजे लिए आपने चलो पढ़ाई करेंगे यारो ये आवाज से आ रही है किसी के मोबाइल में चल रहा है क्या बाहर, बाहर चल रहा है क्या चलो यस काजल दीपावली सत्यम मौसमी मौसमी बहुत सुंदर नाम है आपका सत्यम अनुष्का मकल संध्या अभिषेक अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एकदम जबरदस्त तरीके से आज डिस्कशन करेंगे यारों। चले सबसे पहले फ्रेश पेज ले लेते हैं एकदम आराम से चलो मुझे बताओ आप लोग जो यहां पर हैं आप तो आप दोनों का तो चीजें सेट है एकदम क्या करना है आप तो वैसे भी तूफान हो एकदम ठीक है और अपना भी चीजें मोरलेस क्लियर है क्या करना है जीवन में अपना क्लैरिटी आई है क्या क्या करना है सेट एकदम सिलेबस पूरा सेट हो चुका है अपना ट्रेनिंग करना ही नहीं करना है पूरी चीजें सेट हो चुकी है ग्रुप सेट हो चुका है अरे बहुत जबरदस्त इतनी क्लैरिटी लेके लोग घूम रहे हो यार गजब 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 आधी जनता अभी तक इसी चीज में संघर्ष कर रही है कि क्लैरिटी को लेके कि करना क्या है आखिर तो सबसे पहला स्टेप तो खैर क्लियर लग रहे हो हर एक व्यक्ति को यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू एस शुड डिसाइड नाइसली दैट वॉट आर यू गोइंग टू डू एंड देर आफ्टर प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली ठीक है अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तो उसको एक और सुझाव है मेरा कि ईडीपी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि थोड़ा सा वैक्यूम मिल जाएगा और उसके अंदर आपका एक डिसीजन फाइनल की तरफ आ जाएगा चलो यस yes! अब यार हूं आज एमसीएस की बात थोड़ी सी और अच्छे से करेंगे अंदर घुसते हैं टॉपिक के अंदर आज हम लोग क्या करने वाले चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड मार्च ये दो आपके इंट्रोडक्टरी सेशंस तो हो जाएंगे अच्छे से इंट्रोडक्टरी सेशंस हो गए फिर आपका जो रेगुलर बैच स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है पोस्ट होली एक गुंडो कल का लेक्चर देखा था नहीं, नहीं, नहीं। पोस्ट होली स्टार्ट होने वाला है तो जो भी बच्चे पुणे के बाहर के हैं वो मजे से आराम से होली सेलिब्रेट कर लो और उसके बाद में पुणे आ जाइएगा मोरलेस आज कल में आपको प्रॉपर डिटेल डेट्स वगैरह मिल जाएगी अब यहां पर आई के नॉट गेट एक तूफान ब्रेक होने वाला है तो आज मैं आपको एमसीएस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे सबसे पहले जो हमने कल पूरा कर लिया था वो आप सबको पेन डाउन भी करवा दूंगा आज और उसके अलावा थोड़ा और एमसीएस के पास पेपर एनालिसिस के ऊपर घुसेंगे ताकि हमें समझ में आए कि आइडिया क्या है इस सब्जेक्ट के बारे में जैसे कि कल भी हमने बात की थी कल हमने क्या क्या देख लिया था नो योर टीचर देख चुके हो नो योर सब्जेक्ट सब्जेक्ट जाना कि एमसीएस किस प्रकार का एक सब्जेक्ट है एमसीएस एक ओपन बुक सब्जेक्ट है उसके अंदर ढेर सारे आपके केस लॉज हैं गुंडे जल्दी से बैठो जल्दी से बैठो आप तो जल्दी आ गए थे आए। ये सब क्या हो रहा है वो फ्रेंड एग्जीक्यूटिव का था क्या प्रोफेशनल का ही था क्या ठीक 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 हरी अपना हरीश अरे अरे बढ़िया बढ़िया अनिश चलिए वह दिया यहां पर आएंगे हम लोग सो so, नो योर सब्जेक्ट के अंदर हमने देख लिया कि एमसीएस एक बहुत ही सुंदर सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें टू फिफ्टी टू सिक्सटी केस लॉज हैं जजमेंट्स हैं एंड देर आर फोर केस स्टडीज ऐसे कुछ चार केस स्टडीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इट्स एन ओपन बुक पेपर एप्लीकेशन को समझना बहुत जरूरी है यहां पे हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है हमें ना केस का नाम याद करना है कुछ भी याद नहीं करना है हमें उसका एप्लीकेशन समझना है कि एग्जाम में अगर एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसे अप्लाई कर पाएंगे ये समझना जरूरी है ठीक है फिर हम लोगों ने पढ़ा नो योर एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन कैसे होता है ओपन बुक पेपर तो होता ही है मार्क्स का होता है, कोई चॉइस नहीं आती है क्वेश्चन नंबर एग्जामिनेशन में आता है मार्क्स आपके छह क्वेश्चन पेपर ऑफ हंड्रेड मार्क्स क्वेश्चन कांबर टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स तक ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके ट्वेल्व मार्क्स ईच के

तो गूगल रे पेंडे वाले बच्चों ध्यान रखना आपको जब घर पे बुक्स डिलीवर होती है इस पर्टिकुलर बैच की उसके अंदर आपको बुक के ऊपर देखना एडिशन फाइव लिखा है ना तीनों बुक्स के ऊपर तो तीन किताबें हैं योद्धा सारथी एंड वर्क बुक तो वर्क बुक एक तूफान सी बुक होती है जिसके अंदर हम एक्चुअली बहुत सारे केस स्टडीज प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम में जो ये फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसको हम अच्छे से हैंडल कर लें इसके लिए होती है वर्कबुक और एग्जाम में जो सिक्सटी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं केस लॉस के ऊपर उसको हम अच्छे से हैंडल कर लें उसके लिए होती है योद्धा और सारथी यहां तक हमने कल के लेक्चर के अंदर बात कर ली थी वे चलो 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 जबरदस्त यस चलिए अब इसके आगे आज की बात करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं बेटा जी आपको लिए चलते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आई सी एस आई पास पेपर्स वे इन्वेस्ट लॉर्ड ऑफ टाइम इन ओपन बुक का कंसेप्ट एक बार ओपन बुक का कंसेप्ट दिलो दिमाग में उतर जाता है तो उसके बाद में बहुत ईजी हो जाता है सब्जेक्ट को पढ़ना क्वेश्चन पेपर्स थोड़े लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो अच्छा लगेगा हम्म hmm. यस yes. ये आपका ग्रुप टू का मल्टी डिशनरी केस स्टडीज चलिए ये इसका पेपर ले लिया हमने ये पेपर को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमको रीड द द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर क्वेश्चन गिवन एट द एंड तो पहला क्वेश्चन एकदम बड़ा सा आता है फॉर एग्जाम्पल दी हैप्पी लिविंग बैंक अ स्मॉलर नेशनल बैंक बेस्ड इन स्टेट ऑफ बिहार ओपन इट्स फर्स्ट आउट स्टेट ब्रांच इन झारखंड टू थाउजेंड नाइन फर्दर 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 तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक बैंक है स्मॉलर नेशनल बैंक है स्टेट ऑफ बिहार की और वो धीरे धीरे एक्सपांड कर रही है अपने ब्रांचेस बार बार खोल रही है ये इन्होंने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पेजेस भर के सबसे पहले एक पैसेज दे रखा है उसके ऊपर उन्होंने आपसे चार क्वेश्चन पूछे हैं टेन मार्क्स ईच के और यह है आपका पहला क्वेश्चन एमसीएस के अंदर जो आता है तो कल जब हम देख रहे थे नो योर पेपर विदाउट नोइंग द पेपर विदाउट नोइंग द एग्जामिनेशन आप सीधा पढ़ने चले जाएंगे तो वो दिमाग में बैठेगा नहीं पहले स्ट्रक्चर समझ लो बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट पेपर ये एग्जीक्यूटिव के आठ पेपर ऐसा नहीं कि वो है कि उसी टाइप के पेपर्स हैं ओपन बुक आउटलुक ही अलग है इसके ऊपर उन्होंने चार क्वेश्चन पूछे देखना इवेल्युएट हैप्पी लिविंग्स बैंक सिस्टम एंड जस्टिफाई योर आंसर वॉट मेक्स अ गुड अकाउंट मैनेजर एक अच्छा अकाउंट मैनेजर कैसा होना चाहिए दूसरा डिड जिमित पटेल डू अ गुड जॉब एंड वॉट वुड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ जिमे ठीक है इज द बैंक कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव वॉट विल बी द कंट्रोल सिस्टम वॉट विल द कंट्रोल सिस्टम लुक लाइक इन टेन ईयर से अज्यूमिंग द ब्रांच इज सिग्निफिकेंटली लार्जर चलो अब ये सब करने के लिए आपको पहले तो कुछ चीजों का मतलब समझ में आना चाहिए वॉट डू मीन बाय द वर्ड कंट्रोल सिस्टम चलो मुझे बताओ इंटरनल कंट्रोल जिसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल जनरली वर्ड यूज किया है कंट्रोल क्या होता है मतलब इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल एग्जीक्यूटिव कहीं पे कुछ सुना होगा ए इतना लोड मत लो एकदम मजे से बोलो सब लोग हम लोग साथ में एक और चीज पहले बता देता हूं एकदम मजे से रहना क्या कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं ये आप लोग ये मैं है टीचर आप लोग कभी कभी ऐसा सोच लेते हो स्टूडेंट वर्सेस टीचर नहीं नहीं नहीं, हम क्यों जवाब हम जवाब नहीं देंगे टीचर वर्सेस द पेपर ऑफ आई बात समझ में आ रही है तो हम दोनों तो एक टीम में और हम लोग साथ में मिलकर फाइनल पेपर अच्छा हो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें तो एक कोऑर्डिनेशन के अंदर ही काम करना है तो जो भी सीखा हो जो भी दिमाग में आ रहा हो इंटरनल कंट्रोल को लेके सोचो और बोलो आल जीना जी बहुत जल्द बहुत बहुत बहुत, बहुत जल्द चलो येस यारा क्या लगता है वर इन कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल विद इन कंपनी हम कुछ चीजें करते हैं ठीक है हम्म हम्म कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती है बिल्कुल ठीक है परफॉर्मेंस चेक करने के अलावा स्मूथली चले सब कुछ इसके लिए भी कह सकते हैं समझना अच्छे से इंटरनल कंट्रोल एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है इसका मतलब होता है हर एक बिजनेस स्मूथली चल पाए उसके लिए वो कुछ कंट्रोल्स लगाता है इसमें से कुछ कंट्रोल होते हैं स्मूथ चलने के लिए कुछ कंट्रोल्स होते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ कंट्रोल्स होते हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर मतलब 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 आप बिग बाजार में जाते हैं आप डीमार्ट में जाते हैं वहां पे जब आप डीमार्ट से बाहर निकल रहे होते हैं वहां पर एक मशीन होती है सेंसर लगा होता है अगर मान लीजिए डीमार्ट में कहीं पे भी आपने कोई भी चीज को लेके जेब में रख दिया है और आप वहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो सेंसर बचेगा टीट टीट टी टीट वॉट इज दैट दैट इज एन इंटरनल कंट्रोल ऑफ दैट्स अ कंट्रोल ऑफ डीमार्ट क्योंकि डीमार्ट का एक रिस्क है डीमार्ट का एक प्रॉब्लम है कि लोग वहां पर आके चोरी करते हैं छोटे छोटे सामान है जो डी में वो बिलिंग नहीं करता है जेब में रख के लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पे जो छोटी मोटी चोरी होती है जिसको शॉप लिफ्टिंग कहते हैं शॉप लिफ्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम छोटी दुकानों में भी शॉप लिफ्टिंग का प्रॉब्लम होता है और स्पेशली छोटे छोटे बच्चों से होता है उस एज में समझता नहीं सही और गलत क्या होता है और एक शॉप लिफ्टिंग की आदत होती है कुछ लोगों को तो वो शॉप से शॉप लिफ्टिंग करते हैं डी मार्ट को सबसे बड़ा रिस्क वही है डी मार्ट को यह रिस्क नहीं है कि रात को कोई शटर तोड़ के अंदर घुस जाएगा उनके पास सिक्योरिटी गार्ड है डीमार्ट को रिस्क यह है कि यार जब दिन भर में हजारों लोग आते हैं उस बीच कोई व्यक्ति आया किसी ने कोई चीज जेब में रख ली और लेके निकल गया तो क्या उसके लिए डीमार्ट एक इंटरनल कंट्रोल लगाता है कि सेंसर लगा रखे कोई भी व्यक्ति बाहर निकलेगा तो पकड़ा जाएगा यह उनका सेंसर है इंस्पायर अकेडमी इंस्पायर अकेडमी दो चीजें करता है फॉर एक्जाम्पल इंस्पायर अकेडमी अटेंडेंस लेता है इंस्पायर अकेमी बायोमेट्रिक सिस्टम लगा देता है इस क्लासरूम में नहीं ऊपर वाले क्लासरूम में है मान लीजिए वो कैमरास इंस्टॉल कर लेता है तो इंस्पायर अकेडमी को रिस्क है कि कहीं क्लास में कुछ उल्टा सीधा ना हो इसके लिए उन्होंने कैमरा इंस्टॉल कर रखे ये अपना रिस्क है अरे आपको और एक लोकल एग्जाम्पल देता हूँ आप हाईवे पे जाओ हाईवे पे जो एल्कोहल शॉप्स होते हैं लिकर शॉप्स होते हैं बहुत अलग टाइप के होते हैं सिटी से वो ऐसे पूरे ग्रिल्ड होते हैं प्रॉपर ग्रिल लगा होगा एकदम आराम से हाँ 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 कुछ लोगों ने देखा है बहुत अच्छे से और उस ग्रिल के अंदर से देन यू पे हिम हंड्रेड रुपीज पचास रुपए डेढ़ सौ रुपए पांच सौ रुपए जो भी है एंड आफ्टर द पर्सन हैंड्स ओवर द बॉटल टू यू पर ये सिटी में तो ऐसा नहीं सिटी में प्रॉपर ग्लास के शॉप से नॉर्मल काउंटर आप जाके दे सकते हैं बिकॉज वहां पर उनको दूसरा रिस्क है कि रात को लोग आके झगड़ा करते हैं और वहां पर लिकर मांगते हैं तो उन्होंने अपना इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए एवरी बिजनेस हैज देयर ओन इंटरनल कंट्रोल अब वो हाईवे पे डीमार्ट जैसा सेंसर तो लगाएंगे नहीं गेटिंग फेयर वो क्या दिखा के लेके भाग जाएगा डू करके द पॉइंट यह इज कि हर एक बिजनेस अपने हिसाब से इंटरनल कंट्रोल लगाता है ताकि वो रिस्क मैनेजमेंट करे ताकि वो स्मूथ चले नॉर्मल कंपनीज यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम होता है क्योंकि इंप्लाइज लेट आते हैं तो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया कि बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर आप पुश करोगे तभी आपका अंदर चेक इन रिकॉर्ड होगा ताकि इंप्लॉयज लेट ही नहीं आएंगे अगर लेट आते हैं दो मिनट भी तो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा तो हर एक बिजनेस स्मूथली चले इसलिए वो इंटरनल कंट्रोल लगाता है इस तरह के कंसेप्ट आपको पता होंगे तब आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे आर यू कटिंग अ फेयर आइडिया इतना स्ट्रेट एंड ईजी नहीं होगा इन क्वेश्चन को भी हैंडल करना यह स्कूल का क्वेश्चन नहीं होगा कि आप यहां पर पूछे पड़ेंगे वॉट मेक्स अ गुड अकाउंट मैनेजर और आपको यहां पे पैराग्राफ में मिल जाएगा अ गुड अकाउंट मैनेजर शुड भी और आप ऐसे लिख दोगे ये स्कूल का पैसेज राइटिंग नहीं होगा आपको उन कंसेप्ट का मतलब पता होना चाहिए एंड देन ये पढ़ने के बाद अपना दिमाग अप्लाई करना है और फिर वो आंसर बनाना होता है डैम डैम डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू टू स्कोर स्कोर बिकॉज यहां टेन मार्क्स का एक क्वेश्चन है वहां पे द चेकर विल बी मोटिवेटेड टू गिव यू थ्री फोर फाइव तीन मार्क्स दो मार्क्स पांच मार्क्स तीन मार्क्स दो मार्क्स पांच मार्क्स और अगर हमको एक्चुअली यहाँ पे सेवन एंड एट चाहिए सो योर आंसर शुड बी वेरी क्वालिटी आंसर ऐसा अब इसकी करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है आगे भी पढ़ाऊंगा बट अभी आपको स्ट्रैटी बता रहा हूं सबसे पहले कभी भी हमको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है पहले हमें रीड करने है क्वेश्चन चारों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए चारों क्वेश्चन रीड करने के बाद में आपने पढ़ना है पैराग्राफ अब इसमें होता क्या है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन रिकॉर्ड हो चुके हैं चारों अब जब आप पैराग्राफ रीड करते हैं और आपको कोई भी चीज अगर काम की मिलती है जैसे कि यहां पे Yeah, I a, random paragraph. a loan application that was turned down in early 2020 Jimit Patel an account manager assigned to the southern India area presented a credit application for Far East Trading Corporation a corporation with major business interests in Bihar for an 11 lakh 7 year term loan a 1% closing charge and a variable rate of 5% above prime lending rate which were included in the pricing of loan inventory was used to fully secure the loan because of the size of the loan Jimit took great care in evaluating and assessing the application he liked it आई थॉट दिस वॉज द वंडरफुल ऑफर फॉर हैप्पी लिविंग ही सेड वी आर गोइंग टू मेक गुड मनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोन बिकॉज आई प्राइज्ड इट विद रिलेटिवली वाइड स्प्रेड एफ ई टी सी इज अ रेप्युटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम अभी सब क्या बात कर रहे हैं जिमित पटेल ने एक ट्रांजैक्शन को कैसा हैंडल किया अब पीछे क्वेश्चन था कि डिड जिमित पटेल डू अ गुड जॉब एंड वॉट वुड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ जिमित तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि जिमित पटेल ने अच्छा काम किया है उसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या था हमारे हिसाब से हमें लिखना है इट इज नॉट गोइंग टू बी एज स्ट्रेट के क्वेश्चन देखा और हमने वहीं से पैराग्राफ में से आंसर मिल गया हमें उसमें अपना एप्लीकेशन करना होगा दूसरी चीज फॉर एग्जाम्पल इसको बैक करता हूं कोई और पेपर लेता हूं का ओपन हो रहा है ये yes! मौसमी बहुत जबरदस्त गुड 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 यारो बस ये इंटरनेट चल जाए और पेपर ओपन हो जाए हाँ, ये हो गया ओपन अभी दूसरा पेपर ओपन किया ने अब इसमें भी पैराग्राफ दे रखा है एज द वर्ल्ड स्पीडली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स प्योर इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड द मोस्ट एंशियंट साइंस ऑफ मेडिसिन हेल्थ केयर पर्सनल केयर फूड बेवरेजेस आयुर्वेदा इज रीलिविंग तो कुछ जो केस है वो आयुर्वेदा के ऊपर है सेकंड पैराग्राफ एज पर मार्केट रिसर्च द इंडियन आयुर्वेद मार्केट इज ऑल सेट रजिस्टर सिक्सटीन परसेंट ग्रोथ तो कोई एंटीटी के बारे में होगा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचती होगी हमें यह पैराग्राफ पहले पढ़ना ही नहीं अगर पैराग्राफ पहले पढ़ोगे तो कुछ यूजफुल नहीं निकलेगा एकदम टाइम वेस्ट है और यहाँ पे भी चार पांच पेज चार पेज का तो पूरा पैराग्राफ है अब वापस यहाँ पे भी दस दस मार्क्स के चार क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन अ सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट एक्सप्लेन एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी में बहुत सारे एलिमेंट्स होने चाहिए okay. ट डू अंडरस्टैंड बाय स्मार्ट ऑब्जेक्टिव एलिसिडेट इन बैकग्राउंड ऑफ ए आर एस ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके वॉट डू मीन बाब्जेक्टिव स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताओ, और बताओ के, क्या ERL, इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव स्मार्ट है क्या तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको पता है फिर आप बता पाओगे क्या ई आर एल ऑब्जेक्टिव स्मार्ट है क्या नेक्स्ट फोकस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑफरिंग वेल एज्यूमिंग दर कस्टमर विल सीक आउट एंड बाय रीजनेबली प्राइस वेल मेड प्रोडक्ट्स कमेंट नाउ दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल स्ट्रेटी एकदम आराम से समझा बची बात को ठीक है इंडिया में अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग स्ट्रेटजी पे चलते हैं कुछ प्रोडक्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर हम अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी देंगे तो लोग खुद आके हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे ये है कुछ कंपनीज का मानना होता है कि ऐसा नहीं होता है हमें पहले हमारे प्रोडक्ट को उन तक पहचाना होगा हमें मार्केटिंग ब्रांड अवेयरनेस करनी होगी फिर ही लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे कोई भी एक स्ट्रैटी सही और दूसरी स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती है ये कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी कौन सी स्ट्रैटजी अपनाए है एग्जाम्पल देखो स्ट्रैटजी का नाम क्या है फोकस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑफरिंग वाइल अज्यूमिंग दैट कंज्यूमर विल सीक आउट एंड बाय रीजनेबली प्राइस वेल मेड प्रोडक्ट भारत में बालाजी बालाजी चिप्स खा गया लेस को कहाँ हमने टी वी पर एडवर्टीजमेंट देखे बालाजी के कहाँ हमने बड़े बड़े होर्डिंग देखे बालाजी के ये सब तो हमने देखे ही नहीं है ये तो हमने ढूंढ ढूंढ के बालाजी को खाया है हम दो किराने की दुकान पर जाके बोलते बालाजी नहीं है दूसरी पे जाएंगे ये कंज्यूमर ने बालाजी को किंग बनाया है बालाजी ने इतनी मार्केटिंग थोड़ी ना की है जैसे ले सैफ अली खान को रखता है इतना एक्सपेंस करता है होर्डिंग्स लगाता है टी वी पर ऐड करता है बालाजी तो ये सब करता ही नहीं है ना करता होगा तो नेग्लिजिबल करता होगा बालाजी के एड में से मेजोरिटी लोगों ने देखे होंगे उसके ऑटोस पे बस क्योंकि वो जो डिलीवर करता है वहां पे बालाजी लिख रखा है अदरवाइज एडवर्टीजमेंट पे खर्चा ही नहीं कर रहा है फिर भी बालाजी इज मेकिंग इनसेन सेल्स क्यों इस स्ट्रेटजी पे उनका कहना है इफ वी फोकस ऑन क्वालिटी इन दिस केस क्वांटिटी बालाजी लेस को पूरा खा गया जस्ट बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी क्वालिटी उसकी सही है गुड क्वालिटी बट क्वांटिटी लेस से डबल ट्रिपल देता है वो सेम प्राइस में तो वो क्वांटिटी पे खा गया फोकस ऑन क्वालिटी इन क्वांटिटी ऑफ ऑफरिंग वाइल अज्यूमिंग दैट कस्टमर विल सीक आउट एंड बाय रीजनेबली प्राइस प्रोडक्ट कि कंज्यूमर ढूंढेगा आपको और सही प्राइस का प्रोडक्ट बेच देगा आपको मार्केटिंग करने की जरूरत रत ही नहीं पड़ेगी आज आप किसी भी शॉप पर जाओ वहां पर आपको लेस और कुरकुरे मिलेंगे क्योंकि वहां पर मार्केटिंग इतनी होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना ज्यादा है कि वो हर जगह प्रोवाइड करते हैं बालाजी शायद हर जगह पर नहीं मिलेगी लेकिन कंज्यूमर बालाजी ढूंढता है उसको बालाजी चाहिए तो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रैटजी तो उनका कहना है कि ये स्ट्रैटेजी कैसी है इस पर कमेंट करो अब इस स्ट्रैटी के अगर आपको पता होना चाहिए और उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा लास्ट क्वेश्चन अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज डिज़ाइन टू हेल्प यू एंड योर योर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड मीट कोर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज द कम्युनिकेशन स्ट्रैटजी ऑफ अश्वमेध आयुर्वेदा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटी होती है वॉट इज कम्युनिकेशन स्ट्रैटजी आपके जो गोल्स हैं वो आपको अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बताना जरूरी है आपके गोल्स क्लियरली कम्युनिकेटेड होंगे तो हर एम्प्लॉई उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर पाएगा अगर आपके गोल्स ही कम्युनिकेटेड नहीं है तो कैसे करोगे जैसे कि आप कुछ रेस्टोर में जाते हो और इतना बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस मिलता है दैट अगर आपने कुछ भी कह दिया अदर को मैं नया बना के देता हूँ नॉट इवन इन अ अकेंड वो कुछ नहीं बात नहीं नया बना के देता हूं और वहीं कुछ रेस्टोर होंगे वो लाइक ठीक तो बनाया ना सर ऐसा क्या कर रहे हो अच्छा ही तो बनाए आप ऐसे ही कर रहे हो सही तो दिख रहा है द डिफरेंस इज हाउ द मैनेजमेंट द ओनर हैज कम्युनिकेटेड द स्ट्रैटी कुछ मैनेजमेंट ने क्लियर बोल रखा है कि कंज्यूमर शुड बी हैप्पी भले ही वो कुछ भी बोले कंज्यूमर शुड बी हैप्पी बात खत्म हो गई हमारा मेन टारगेट है कंज्यूमर शुड बी हैप्पी अगर वो खुश है तो हमें चलेगा और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने वैसा कम्युनिकेट नहीं किया उनका कहा कि कंजूमर को बस सर्व कर दो उनका ऑर्गेनाइजेशन का एम वो है हाँ, एक और बात दोनों में से कोई सही गलत नहीं है दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है एक बिजनेस वाला जो बीस रुपए की कोल्ड कॉफी बेचता है वो कंज्यूमर इज ऑलवेज हैप्पी पे फोकस नहीं कर सकता उसका मार्जिन ही छोटा है लेकिन एक रेस्टोरेंट लाइक लिटिल इटली -लि जो पास्ता ही आठ सौ रुपए में बेच रहा है वो इस पर फोकस कर सकता है क्योंकि अगर उसके सौ में से एक कस्टमर का पास्ता रिटर्न भी करा दिया तो वो हर एक कंज्यूमर पे पांच सौ छह सौ रुपए तो कमा रहा है बिजनेस कैन अफोर्ड टू डू इट गेटिंग अ अ फेयर बिग बिजनेस रेस्टोरेंट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव नेगेटिव फीडबैक उनके ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर जगह जब आप नेगेटिव फीडबैक दिए उनको नहीं चलेगा लेकिन छोटे बिजनेस को फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपको जो करना है कर लो आप भाई साहब पैसे दो और काम करके जाओ तो ये डिपेंड करता है बिजनेस की स्ट्रैटेजी के ऊपर तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो कम्युनिकेट करें आप अच्छे से तो पहले वो स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए और फिर

ये हेल्प करती है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए चलो समझना कैसे अब इसको भी वर्क बुक को ओपन करते हैं कभी भी आपको कोई भी बुक की सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो सॉफ्ट कॉपी सारी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है तो वहां से आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स एक बार ले सकते हो एडिशन फाइव बहुत जल्दी अपलोड होगा अभी जो भी एडिशन होगा वो ले लेंगे हम लोग अभी एमसीएस का एडिशन फोर यहाँ पे दिख रहा है थोड़े दिन में पे एडिशन फाइव भी दिखेगा अभी हम लोग वर्कबुक लेना चाह रहे हैं इसलिए नोट्स जैसे कि मैंने आपको अभ्यास वगैरह बताया था वो सब यहां पे अवेलेबल होता है ये है हमारी वर्कबुक चलो ये वर्कबुक हेल्प करती है आपको वो फोर्टी मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर स्कोर करने के लिए जैसे वर्कबुक दिख रही है अब इसमें ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे स्कैनिंग फॉर वायरस इज वेरी गुड चलो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं डाउनलोड हो गई यस ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे कि चार केस स्टडीज हैं अपनी अमूल स्टारबक्स कैलॉग्स और मैगडी बताया था मैंने आपको ये चार केस स्टडीज पढ़ेंगे यहाँ पे अब उसके अंदर मैंने आपकी शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए दे रखा है जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है फार्मा इंडस्ट्री पे क्वेश्चन दे दिया उसके बाद ऐसे आपको जगह दे रखी है एंड यू टू राइट आंसर्स तो इससे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है खैर कमिंग ऑन टू माय मेन पॉइंट बुक कैसे हेल्प करता है इसके अंदर कंट्रोल एफ कहां से होगा भाई ऑफ यस yes. रुके रहना है यहाँ पे सेव टू फाइल्स कहाँ पे करेंगे बेटा जी आई क्लाउड पे नहीं करना है पैड पे करेंगे करेंगे और एम सी एस में करेंगे सेव रिप्लेस की बोथ एस एस एम एम सी एस वर्कबुक चलो अब यहां पे आ रहे हैं अब यहां पे देखो मिल जाना यस इस बुक के अंदर आपको लिखा हुआ मिल रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं

ये वाला क्वेश्चन इसके पहले हम जो भी क्वेश्चन देख रहे थे सेकंड क्वेश्चन देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मार्ट ऑब्जेक्टिव तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है वो जो स्मार्ट का फुल फॉर्म उस बुक में दे रखा है वो एंसिज यहां पर उतार दोगे लेकिन इसके आगे वाले पार्ट में आपको दिमाग लगाना है एल्यूसिडेड इन बैकग्राउंड ऑफ ए आर एल्स ऑब्जेक्टिव की जो अश्वमेधा आयुर्विद है इसके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट है या नहीं तो अब आपको कंपेयर करना होगा स्मार्ट मतलब क्या था फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक था तो क्या इनके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है क्या रियलिस्टिक है क्या ऐसे एक एक को कंपेयर करना होगा दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड ये जो बुक्स डिवाइड की है दैट रियली मेक्स योर लाइफ ये ईजियर की हाँ वर्क बुक के लिए आपको योद्धा और सारथी पे जाना ही नहीं है जो तीसरी बुक है वर्कबुक उसी से आपके 40 मार्क्स की लिटल गेटिंग सम आइडिया चलो कोई भी एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं यस yes, वंशिका जी वंशिका जी का एक सवाल है सर आई हैव ऑर्डरड क्लास फॉर एमसीएस मुझे 83 लेक्चर्स मिले मुझे पूछना है कि 83 ही है क्या एक गधा एकदम मजे में रहो आपको लेक्चर्स के साथ में एक और चीज मिलती है जैसे कि ये आपको लेक्चर्स के टाइम पे एक ड्राइव लिंक मिलेगा उसमें आपको पूरा शेड्यूल वगैरह सब मिलेगा जैसे कि ये मेरा लास्ट बैच ऑफ एम का है तो उसमें प्रॉपर लेक्चर शेड्यूल भी है यहाँ पे कि कौन सा लेक्चर के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ है वगैरह वगैरह तो ये सब चीज़ें जनरली आपको मिल जाएगी जैसे जैसे बैच होता रहेगा तो एकदम मज़े में रहो भी इतना सोचो मत आपने अगर एम का एडिशन फोर ले रखा है किसी व्यक्ति ने तो आपको ऑलरेडी ड्राइव लिंक में सब कुछ मिल जाएगा मजे में रहो और जिस अभ्यास शीट की बात कर रहा था वो सब चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाएगी इस बैच के अंदर जैसे जैसे होता रहेगा दिस इज एडिशन फाइव तो वैसे वहाँ पर मिलता रहेगा हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पर स लेट्स ट्रैन सी वन क्वेश्चन एट डेप्थ चलो फॉर एग्जाम्पल वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाब्जेक्टिव स्मार्ट का फुल फॉर्म लिखा एल्यूसिडेड इन बैकग्राउंड ऑफ एआरएल ऑब्जेक्टिव अब आपको क्या करना है ये जब आप पूरा पैराग्राफ रीड कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ को रीड करते टाइम ए आर एल के ऑब्जेक्टिव के बारे में जहां जहां लिखा है so आप एनालाइज कर सकें कि उसके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट है या नहीं इसी प्रकार से आपने चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद में आपने पैराग्राफ रीड करने के लिए जाना है चलो हम ऑब्जेक्टिव को लेके बात करने की कोशिश करते हैं पूरा तो रीड नहीं करेंगे हम लोग क्लास में अभी बट रफली ऑब्जेक्टिव के पैराग्राफ्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव देखे तो मुझे बताना फर्स्ट लाइन देखो इट वॉज क्ड विद्जेक्टिव ऑफ अमाल एम ऑफ साइंस विदर्न साइंटिफिक टेक्निक ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अब आइडियली तो एग्जाम में हम पूरा पड़ेंगे अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल एक ले रहे हैं कि पहला क्वेश्चन होता कैसा है ताकि उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका एक ऑब्जेक्टिव था कि एंशियंट आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को मिला के कुछ कर इट्स इंटेंशन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट क्वालिटी टेस्ट एंड हाइजीनिक प्रोक्ट विथ वाइड रेंज एफेक्टिंग टू द लार्जस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एट रीजनेबल प्राइस फिर उनका पर्पस था कि भारत में जो इतनी पॉपुलेशन उसको रीजनेबल प्राइस के ऊपर कॉमन सिटीजन उसका बेनिफिट ले पाएं ऐसा प्रोडक्ट बेचना इट ऑल्सो एम्ड टू ये अलग अलग वर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए इट ऑल्सो एम टू एस्टेब्लिश अश्वमित आयुर्वेदा एज अ साइंस बेस्ड इन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचुरल एंड ट्रस्टेड फॉर हेल्थी लाइफ्स तो ऐसा उनका इंटेंशन था ठीक है फिर उन्होंने रुद्रा करके एक व्यक्ति उसके बारे में पहले बताया है रुद्रा कौन क्या करता है हैज बिकम ब्रांड ऑफ कभी-कभी ये भी बहुत रेलिवेंट चीज है इस पैराग्राफ में जब आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे रुद्रा का बैकग्राउंड दिया कि रुद्रा कौन है फिर उसको इन्होंने यहां पे बना दिया अपना ब्रांड एम्बेसडर आप किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं ये भी बहुत अहम है इससे एक मैसेज कन्वे करते हैं आप फॉर एग्जाम्पल आज मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को ब्रांड बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी तो ऑटोमेटिकली एक फैक्टर साथ में आ जाता है कि ये ट्रस्टेड है नॉर्मल ऑटोमेटिकली एक फैक्टर साथ में आ जाता है आप सलमान खान को ब्रांड एंबेसिडर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फैक्टर साथ में आया कि इंपल्सिव है तो हर एक व्यक्ति के साथ में एक फैक्टर साथ में चलता रहता है तो आप किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसिडर अपॉइंट कर रहे हैं ये एक मैसेज देता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नाउ अगर एक आयुर्वेदा का है और वो सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे तो शायद सूट ही नहीं कर रहा है बात तो आयुर्वेदा का है तो उनको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जिसका बैकग्राउंड वैसा हो फॉर मतलब देन नाव देट कैन बी हंड्रेड एग्जाम्पल्स कोई व्यक्ति जो कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर पे योगा आयुर्वेदा एंड इन चीजों को प्रमोट करता हो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे लेना चाहिए इस प्रकार से होनी चाहिए तो ये भी मैटर करेगी सब पे बताया फिर उनकी बताइए स्वदेशी रुद्रा रुद्रा का बैकग्राउंड कि उसको आइडल की तरह देखते हैं लोग तो अगर रुद्रा को आइडल की तरह देखते हैं और वही ब्रांड एंबेसिडर बन जाता है कंपनी अब रुकता हूं थोड़ा सा ऐसे हम पढ़ते रहेंगे बहुत कुछ है पूरा तो नहीं पढ़ेंगे अब एलुसिडेट इन बैकग्राउंड ऑफ योरलेस ऑब्जेक्टिव अब एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ पढ़ा अब उसको आपको एनालाइज कैसे करना होगा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव तो स्मार्ट में सबसे पहला एस स्टैंड्स फॉर व्हाट एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक तो हमें देखना है कि क्या इनका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक था तो वी कैन एनालाइज की यस द ऑब्जेक्टिव इज वेरी स्पेसिफिक कि उनको इंडिया में जो ऑडियंस है उसको एक बहुत ही प्राइस ओरिएंटेड एक लिमिटेड प्राइस के अंदर सस्ते प्राइस के अंदर बेरेबल प्राइस के अंदर उनको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देना होम मेड प्रोडक्ट देना ये इनका ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक है क्या ये मेजरेबल है अब ये देखना होगा पूरे पैराग्राफ में क्या इन्होंने टारगेट बनाया क्या कि उनको एक साल के अंदर सौ करोड़ की सेल करनी है ये उनका टारगेट हो सकता है अगर उन्होंने वैसा कोई टारगेट बनाया है तो हम बोलेंगे देर ऑब्जेक्टिव इज मेजरेबल अगर वैसा कुछ टारगेट नहीं बनाया है, तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेजरेबल मेजरेबल का मतलब यह होता है कि हम हवा में बात कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा करना है बहुत अच्छा करना है बट हमने एक मेजरेबल टारगेट नहीं बनाया दैट वी शुड बी एबल टू सर्व वन लैक पीपल इन वन ईयर टाइम और वी शुड बी एबल टू मेक सेल ऑफ हंड्रेड करोर इन वन ईयर टाइम और वी शुड बी एबल टू रीच हियर इन वन ईयर टाइम मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है अगर मान लो इस पूरे पैराग्राफ में लगता है कि कहीं पर भी ऐसा लिमिट तो नहीं लगाया है तो मतलब इनका

एम सी चले ये तो वही फार्मा वाला ही क्वेश्चन गया फार्मा वाला का क्वेश्चन था फार्मास्यूटिकल वगैरह पे क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन ड्रॉइंग ऑन द फाइव फोर्सेस मॉडल ऑफ याद आ रहा है क्या पोर्टल के फाइव फोर्सेस मॉडल एक्सप्लेन वाई फार्मा इंडस्ट्री हिस्टोरिकली बीन वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री आपको के फाइव फोर्सेज यूज करने और उससे बताना है कि फार्मा इंडस्ट्री कैसे प्रॉफिटेबल है तो सबसे पहले वो फाइव फोर्स तो पता होने चाहिए ना है. उसके बाद में आर इन इन द फार्मा इंडस्ट्री दैट रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैपिटल डिक्लाइन फ्यूचर डू थिंक से अकर उनको है उनका रिटर्न गिरने वाला है क्यों ऐसा गिरने वाला है नेक्स्ट द प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मा इंडस्ट्रीज एंड अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स नेक्स्ट C में बात कर रहे हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट है एक्सप्लोर कर सकते हैं कैसे थ्रेट से बच सकते हैं हम आते हैं वर्क बुक पे वर्क बुक आप हमें कुछ थ्रेड्स के बारे में बताओ क्या हाँ अमूल का जो स्टडी है वो एनालिसिस के ऊपर है अमूल की के स्टडी पे हम चले ही जाते हैं देख एनालिसिस पे पूरा बताया आपका शॉर्ट एनालिसिस कैसे होता है

इसको सीज कैसे करेंगे और थ्रेड्स को काउंटर कैसे करेंगे ये हमारे वर्कबुक के अंदर दे रखा होगा और ये आपको यूज करते हुए और एग्जाम के उस पेपर को सॉल्व करना होगा शॉर्ट पता है अब आपको उस पैराग्राफ में देखना है और पैराग्राफ में देखना है कि वो जो आयुर्वेदा की कंपनी दिख रही है उसके अंदर क्या क्या थ्रेड है क्या वीकनेस है सो इन दिस फोर्टी मार्क्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग आधा रोल होगा जो आप क्लास में पढ़ के जा रहे हो सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे चारों के अमूल्य डिस्कस करेंगे तो आधार तो ये होगा जो हम क्लास पढ़ के जा रहे हैं बट आधार है एग्जाम में अरे माइक की बैटरी चेंज कर रहे गुस्सा क्यों कर रहे हो तो चलिए यार तो हम लोग बस यही बात कर रहे थे तो क्या होगा आधा रोल प्ले करता है बेटा जी जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं बट आधा रोल प्ले करेगा कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में यूज कर पाते हैं फॉर द फर्स्ट फोर्टी मार्क्स एंड दैट इज वेयर दिस वर्क बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आप ऐसे बहुत सारे पेपर्स अगर सॉल्व करके जाते हैं टाटा मोटर्स का एक हिस्ट्री दे रखा है करंट फैक्टर टाटा मोटर्स पूरा हिस्ट्री अगर आप ऐसे पहले से सोल्व करके प्रैक्टिस करते हुए जाते हैं देन यू कैन एक्चुअली सॉल्व द पेपर इन द एग्जामिनेशन अगर आप ये विचार रखते हो कि सीधा एग्जाम में जाएंगे और वही पैराग्राफ से मिल जाएगा इट डज नॉट वर्क दैट वे इसमें पहले तो ये पूरी बुक को पढ़ना जरूरी है उसके बाद में हेल ऑड ऑफ प्रैक्टिस इज नेसेसरी तभी ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में हैंडल किए जा सकते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोर्टी मार्क्स इस तरह से आपको एमसीएस का फोर्टी मार्क्स का पहला क्वेश्चन हैंडल करते जमेगा सब लोग साथ में एक लग रहा है, है? अब थोड़ा सा बात कर लेता तो पेपर देखा ये पहला हो गया इसके बाद से मैंने आपको बताया कि ट्वेल्व ट्वेल्व मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं दूसरा क्वेश्चन ट्वेल्व मार्क्स का होगा इसके अंदर आपका डिवाइडेड पार्ट रहता है टू ए सिक्स मार्क्स का है टू बी सिक्स मार्क्स का है मतलब क्वेश्चन नंबर टू ट्वेल्व का हो गया और ये जो टू ए सिक्स मार्क्स का है इसके अंदर तीन क्वेश्चन हो गए तो एवरी एवरी क्वेश्चन इज ऑफ टू मार्क्स ये पूरा हो गया ट्वेल्व मार्क्स का मैंने बताया था कि इंटरनल बेफरकेशन कीप्स ऑन चेंजिंग बट हर एक क्वेश्चन ट्वेल्व मार्क्स का तो आएगा तो पहला क्वेश्चन देखते हैं वेदर द कंपनीज एक्ट बार्स फाइलिंग ऑफ अ ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बाय डिफॉल्टिंग कंपनी अलॉन्ग डिफॉल्ट क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेशन कंपाउंडिंग के लिए अलाउ करती है या नहीं करती है कंपाउंडिंग थोड़ा एग्जीक्यूटिव में पड़ा है क्या हम कंपाउंड करना चाह रहे हैं कि गलती हो गई भाई फाइन मैन लेके खत्म करो क्या कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल हो सकती है क्या? ये सवाल आया दूसरा वेदर कंपनीज एक्ट बार्स फाइलिंग ऑफ ज्वाइंट एप्लीकेशन कंपाउंडिंग ऑफ द सेम कमिटेड इन डिफरेंट ईयर हमने क्या किया था <coughs> अलग 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 साल के अंदर ऑफेंसेस किए थे उसकी कंपाउंडिंग का हम सेम एप्लीकेशन दे सकते हैं क्या फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में डिफरेंस है समझना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तीन दे सकते है? कह रहा है, एक ही व्यक्ति है उसने अलग अलग सालों में डिफॉल्ट किया है तो सारे डिफॉल्ट के लिए जॉइंट एप्लीकेशन दे सकता है दोनों क्वेश्चन क्या पहले सवाल यह है जॉइंट एप्लीकेशन दे सकते हैं नहीं दे सकते फर्स्ट क्वेश्चन इज के There are five people. उन्होंने सेम ऑफेंस किया है तो क्या यह मिलकर ज्वाइंट एप्लीकेशन दे सकते हैं और एक क्वेश्चन आया है कि एक ही व्यक्ति ने अलग अलग इयर के अंदर ऑफेंस किया है तो क्या यह इन सबकेशन दे सकता है मैंडेटरी इंप्रेजनमेंट फॉर द डिफॉल्ट एंड वेदर द सेम कैन बी कंपाउंडेड और नॉट

अगर ऐसा कोई ऑफेंस है तो वहां पे कंपाउंडिंग हो सकती है या नहीं ये सवाल आया एग्जाम में अब 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 ये आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसका आंसर लिखना है एज पर कंपनीज एक्ट नहीं दिस इज सब्जेक्ट ऑफ एम इसको लेके कोई ये केस हुआ था जो कोर्ट में गया था और कोर्ट ने इन क्वेश्चन का आंसर किया है आपको अपनी योद्धा में वो केस ढूंढना होगा कि कौन सा केस है जो कंपाउंडिंग की बात करता है फिर वो कंपाउंडिंग वाला केस मिलेगा फिर उसको ओपन करके देखते हैं कि ये वाला है ये वाला है, ये वाला वाला है, है, नहीं और इसका ऑर्गेनाइज आंसर आएगा इट वॉज हेल्ड इन ए लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट क्लियरलीउड इन आर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे द आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन एक्ट वो होता तो एमसीएस थोड़ी ना पूछते यहाँ पे जो सवाल पूछेंगे दिस ऑलरेडी बीन

यही चीज एग्जाम में पॉसिबल नहीं है दैट इज वाई वी स्टडी इन द इंटायर बैच अब आपको कल की बात थोड़ी सी समझ में आएगी कि फोकस रहता है एप्लीकेशन पे एंड टाइमली आंसर ढूंढने पे अगर मैं आज भी आपको एमसी का पेपर दे दूं और आपको छह घंटे दे दूं तो शायद आप सॉल्व कर लोगे ढूंढ ढूंढ के पर यही चीज जब तीन घंटे में करनी है तो वो डिफिकल्ट हो जाती है आर यू अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल थ्री का इस बार भी ऑल ओवर इंडिया रिजल्ट कितना बारह तेरह परसेंट ही आया ट्वेल्व परसेंट के आसपास राइट तो ट्वेल्व रिजल्ट आया मतलब एट्टी क्राउड ये नहीं कर पा रहा है कर पा रहा है तो टाइम में नहीं कर पा रहा है पूरे पेपर में फिफ्टी सिक्सटी मार्क्स का लिख पा रहे हैं तो फेल ही होने वाले हैं अपन तो हमें ये करना है और करना भी है टाइम बाउंड फैशन के अंदर तीन घंटे में सौ मार्क्स का पेपर हमें ढूंढ के लिख लेना है तब जाके वी कैन थिंक ऑफ स्कोरिंग नाइन सिक्सटी सेवेंटी मार्क्स अब गेटिंग अ फेयर अबिंग थोड़ा थोड़ा चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बस लास्ट क्वेश्चन द लीगल प्रिंसिपल इज दैट कोअर्सिव रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशियेटेड अगेंस कंपनी एक सिक कंपनी के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं इनिशियट कर सकते मनमोहन एंड राजकुमार वर गार्टर टू द लोन ऑप्टेन बाई स ने लोन लिया था मनमोहन और राजकुमार उस लोन के गारंटर हैं गारंटर समझ में आता है इन्होंने गारंटी ली है कि अगर वो कंपनी पे नहीं कर पाएगी तो हम पे करेंगे रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दम वॉज इनिशिएटेड बिफोर डी आर टी दे कंटेंटेड दैट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंकेंशियल एक्ट आर टू बी ट्रीटेड एज अ सूट एंड इफ द प्रिंसिपल बोरवर इज डिक्लेयर एज कंपनी प्रोसीडिंग्स कैन नॉट लाई और बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द गारंटर इनका क्या कहना है एक कंपनी है एग्जाम्पल ए लिमिटेड शुभम सुगलेचा ने गारंटी ली थी ए लिमिटेड के लोन की ए लिमिटेड ने एच डी एफ सी से लोन लिया है मैंने गारंटी ली है कि अगर ए लिमिटेड पे नहीं कर पाएगा तो मैं पे करूंगा यह समझ में आ रहा है एच डी एफ सी ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया में कि ये गारंटर था ना वो कंपनी लोन रिपे नहीं कर पा रही है आप करो मैं क्या कह रहा हूं अगर कोई कंपनी सिक कंपनी डिक्लेयर हो गई है तो उस केस में आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते आगे विल दे सक्सीड इन गेटिंग प्रोटेक्शन अंडर द सेक्शन ट्वेंटी टू ए ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट नाइनटीन एटी फाइव गिव रीजन एंड सपोर्ट ऑफ योर आंसर पता नहीं अब योद्धा में जो टू फिफ्टी केसेस है उसमें कोई एक केस होगा जो इस इशू को एड्रेस करता है जहां पे ये हुआ होगा कि एक व्यक्ति होगा उसने गारंटी ली होगी किसी कंपनी की और वो कंपनी अब रिपे नहीं कर पा रही है क्रेडिटर बैंक इस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है और वो आर्ग्यूमेंट रेस कर रहा है कि सिक इंडस्ट्रियल है ना कंपनी सिक कंपनी के लिए मुझ पर आप केस फाइल नहीं कर सकते वहां पर उस कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से आपको इस आंसर को लिखना होगा आर वी गेटिंग सम आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट इट्स नॉट अ सब्जेक्ट लाइक लाइक्यूटिव सब्जेक्ट जहां पे हम प्रोविजन को पढ़ते हैं उनको याद रखते हैं और यहां पे प्रोविजन केस कंक्लूजन करके आंसर लिखते हैं यहां पे हर एक आंसर के सपोर्ट में हमें क्या चाहिए एक केस लॉ हर एक केस लॉ चाहिए हर एक आंसर के अंदर एक केस लॉ का सपोर्ट चाहिए तभी वो आंसर स्ट्रक्चर बनेगा और इस तरह से आईसीएसआई कोशिश कर रहा है कि आपको समझ में आए केस लॉस की इंपॉर्टेंस थोड़ा 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 आइडिया लग रहा है पेपर बहुत सुंदर है मजा भी बहुत आता है यही पेपर अगर ओपन बुक नहीं होता तो रोना आ जाता क्यों फिर स्टूडेंट का एप्लीकेशन पे फोकस ही नहीं होता स्टूडेंट का फोकस होता कि इसका नाम याद करो कि इसमें क्या था याद करो अभी पूरा फोकस एप्लीकेशन पे होगा कि हाँ यार ये कौन से केस है अब हो सकता है योद्धा में इतना आसान नहीं होगा तीन चार केसेस होंगे जो आपको सिमिलर लगेंगे तो आपको उसका एग्जैक्ट केस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस इस, इस इश्यू को एग्जैक्टली exactly आंसर करता है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं दिस इज हाउ यू गो फोर्थ ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वो जो तीन घंटे ना है क्या किसी ने सुडोकु पता है ना क्या होता है ये गुंडो सुडोकु नहीं पता है क्या ऐसे क्या करते हो यार जिन बच्चों को नहीं पता है? सुडोकु। ये बस सुडोकु नंबर वाला गेम है

यहां पर आएगा एट बड़ा मजा आएगा लेकिन अब इसमें रुकना पड़ेगा मेरे को यस yes, यहां पर आएगा सिक्स इस जगह पे नीचे वाले पे सिक्स शुरू को गेम अब मैं समझाता नहीं हूं बाकी हर एक लाइन में वन टू नाइन आना चाहिए ये पूरा एक लाइन दिख रहा है वन टू नाइन ऐसे में भी वन टू नाइन और हर एक बॉक्स में भी वन टू नाइन बहुत जबरदस्त छोड़ दो बह जाएंगे हम लोग चलिए एंड दिस इज हाउ दिस इज हाउ यू सॉ दिस पेपर ऑफ एम्स यू सार लवली पेपर मजा ही आ जाता है उस तीन घंटे के अंदर ऐसा एकदम दिमाग गर्म हो जाएगा आपका बिकॉज कंटिन्यूअस एप्लीकेशन है कुछ रटाफिकेशन है कुछ याद अरे याद करके जाना ही नहीं है लेकिन पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होता है ताकि हम प्लेसमेंट कर पाएँ अच्छे से प्लेसमेंट कर पाएँ ये टॉपिक समझाया हुआ है अरे हाँ यार ये केस पड़ा था उसके ऊपर ये क्वेश्चन है और हम फटाफट से उस केस पे पहुँच पाएँ एंड केस पे पहुँचने के लिए सारथी बहुत यूजफुल होता है फिर आंसर को लिखने में ये होद्दा बहुत यूज़फुल होता है आई वी गेटिंग अ फेर आइडिया आपके सारे जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये अभ्यास शीट्स होती है तो हर थोड़े थोड़े दिन में आपकी अभ्यास शीट होती है जैसे कि अभ्यास शीट है कम से की अभ्यास शीट है तो ये क्वेश्चन होंगे अभी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है अ कंपनी हैज प्रेजेंटेड स्कीम ऑफ मैनेजमेंट थर्ड क्वेश्चन रीड करो वगैरह इनके प्रॉपर आंसर ये कि कैसे उसका आंसर लिखते हैं प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहता है फैक्स एंड क्वेश्चन इनवॉल्व एप्लीकेबल प्रोविजन केस लॉस कंक्लूजन फैक्स एंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री ऐसे करके प्रॉपर ऑर्गनाइज आपको एक एक का क्वेश्चन आंसर मिलता है क्या लाइन हाईलाइट करनी है कैसे आंसर लिखना होता है अगर ये सब कर लिया कोई ताकत नहीं है कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा सिर्फ झगड़ा इस बात का है तीन घंटे में हमें पूरा पेपर स्पॉट ऑन कंप्लीट करके आना है अगर वो कर दिया तो मचा देंगे अपन एंड दैट्स अ चैलेंज दैट इज अ चैलेंज टॉक यूर सीनियर्स जनरली पीपल स्ट्रगल इन कंप्लीटिंग द पेपर ओपन बुक पेपर्स अगर वो हम एस कर लेते हैं टाइम में

थैंक यू सो मच सिमरन थैंक यू सो मच फॉर यर काइंड वर्ड्स चलो और अब बस ये हुआ एक प्रॉपर ओवरव्यू ऑफ एम का पेपर ऑल्सो नाउ यू गैज अ मोरल रेडी टू स्टार्ट एम का एनी टॉपिक अब अगर हम लोग पढ़ते हैं हम मेनली पहले फोकस करते हैं केस लॉस पे क्योंकि वो सब्सटैशियल चंक है टू फिफ्टी टू सिक्सटी केस लॉज है वो अगर अच्छे से हमारे हो जाते हैं देन आगे की लाइफ काफी आसान हो जाती है वो हो गया उस पर हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिक्सटी मार्क्स के अच्छे से जम रहा है फिर हम एंड में जाते हैं फोर्टी मार्क्स के केस स्टडी के ऊपर पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस 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 मॉड्यूल में दे रखी है वो हम सारे केस लॉस कवर करते हैं एक एक case study, जो चार बड़े केस स्टडी मॉड्यूल में चार ही दे रखे ऑर्गेज तरीके से कवर करते हैं एमसीएस में बस एक चीज का ध्यान रखना होता है ये लास्ट बात बताने के लिए है उसके बाद में मुझे सिर्फ पढ़ाना बाकी रहेगा एंड दैट इज वाई जैसे कि जो हमारे गूगल वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ कि एमसीएस का आपको करंट बैच का रिकॉर्डिंग लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमेशा नए केसेज ऐड होते रहेंगे जैसे कि अभी सिलेबस में टू केसेस हैं तो ये बात तय है कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तब तक उसमें भी कुछ बीस केसेज और ऐड हो जाएंगे बट ये बात अच्छी है कि जो केसेस पढ़ लिए उसमें कुछ चेंज नहीं होगा जैसे आप नॉर्मली लॉ पढ़ते हो तो अमेंडमेंट कैसा होता है कि एग्जिस्टिंग में कुछ अमेंडमेंट होता है चेंज होता है एम सी एस में ऐसा कुछ नहीं है जो टू फिफ्टी कर ली तो पढ़ लिए उसके बाद में सिर्फ कुछ एडिशनल केसेज ऐड होते रहेंगे उसका कारण भी यही है ना जब हम दुनिया में आज एक दिन भी और आगे बढ़ रहे हैं तो केस लॉस तो हो ही रहे ना जजमेंट आ रहे हैं तो आई सी एस आई का कोई भी जजमेंट लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए वो सिलेबस में ऐड कर देता है तो इसमें अमेंडमेंट में एस सच अमेंडमेंट नहीं होते इसमें हमेशा क्या होता है एडिशन तब जब एग्जाम देने जाओगे तब हो सकता है एग्जाम के दो महीने पहले ऐसे बोल दे कि बीस केसेज और पढ़ के जाओ तो आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट रहेगा ये बीस केसेज और पढ़ने रहेंगे बस इतना सा चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है तो ये नए नए केसेस आते रहते हैं इस कारण से मैं जनरली कहता हूं कि लेटेस्ट लेने का बेस्ट तरीके से केसेस पढ़ने का एक सवाल और बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हम अगर अटेम्प्ट बाद में देते हैं किसी कारण से स्किप करते हैं तो तो आपको मुझसे कनेक्टेड रहना है और ये जो जो एडिशनल केसेस में बताते जाऊंगा ये पढ़ना है 250 तो है ही है और एडिशनल सारे केसेस पढ़ते रहना है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पुराना एडिशन से पढ़ा है तो उसको कुछ नहीं है ये एडिशनल केसेस सारे पढ़ते रहना है एडिशनल केसेस पढ़ते रहोगे देन यूर सुपर सॉरी अबाउट एनी थिंग एनीथिंग एनीथिंग अभी गुड हियर चलो तो आई गेस कोई खास सवाल नहीं है काजल पूछ रहे हैं एमसीएस का फेस टू फेस बैच लेंगे तो लाइव क्लास नहीं मिलेगा ऐसा ए गधे कुछ भी नहीं मिलेगा फेस टू फेस मतलब फेस टू फेस ना तो उसमें तो यहां पर आओगे ये लाइव ही होगा ऐसा अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप फेस टू फेस में आओगे और आपको बैकअप मिलेगा तो मैं फेस टू फेस में कोई बैकअप नहीं मिलेगा मान के चलो आप फेस टू फेस में यही बैठना है हाँ अगर आपका कुछ ऐसा रीजन हो जाता है दैट ई चल रहा है या आपके कोई एग्जाम आ गए तो मैं दे देगा लेकिन जनरली आप ऐसा सोचते हो कि एक दिन की छुट्टी मार दी और शाम को बैकअप मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा एंड ट्रस्ट मी ये आप ही के हित के लिए इससे आपके रिजल्ट सुधरेगा अगर आप फेस टू फेस में आ रहे हो घर से इतना दूर तो यहां तो लेक्चर अटेंड करना है ना अगर कोई कंसर्न है तो उसका मैं स्पेशल केस लेके कुछ उसको बैकअप बैकअप दूंगा अदरवाइज एज अ रूल आपको फेस फेस टू प्लस नहीं मिलता है मेरे सब्जेक्ट के अंदर ठीक है है एंटायर कैसी बातें करते हो लास्ट स्टेज है पढ़ना है और पास होना है यहां पे क्या आपको खुद के लिए आराम चाहिए कोई आराम नहीं चाहिए जेनुइन केस होगा तो मैं देखूंगा अदरवाइज सिर्फ यहां पे आना था जी जान से पढ़ाई ही करनी है स्पेशली फोर कमिंग टू पुणे राइट और बस 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 बस, बस. चलो क्या बस खूब 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 पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो आई जस्ट गिवन यू फेयर आइडिया अब जब हम लोग मिलेंगे हम सीधे पहले केस लॉ से शुरू करेंगे ताकि हम ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ पाए फिर हमें बहुत सारी बातें करनी है एग्जाम में आंसर कैसे लिखने होते हैं फॉर्मेट क्या होते हैं वगैरह वगैरह पर एकदम मस्ती से अब जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वे गुड स्टार्ट विद केस लॉ आई एम सी यू गाइस आफ्टर होली नाउ मोस्टली तो इसी तरह से आ रहा हूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से पाथ क्लियर करो और तूफान तरीके से पढ़ाई करो प्रोफेशनल्स इज नॉट डिफिकल्ट मैं जनरली ये मानता हूँ ये मैं एग्जीक्यूटिव के बैच में बोलता हूँ मेरे हिसाब से प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव से आसान है मेरे हिसाब से प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव से आसान है सर लॉजिक क्या है लॉजिक ये है एग्जीक्यूटिव के अंदर दो प्रॉब्लम होती है एक तो आप इमेच्योर होते हो क्योंकि आप सी देख रहे होते हो तो आपका पहला प्राइमा फेसिया आउटलुक होता है क्या पास तो होता ही है ना फिर आपको एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने के बाद पता चलता है नहीं लक्ष्मण पास सब नहीं होते हैं। फिर समझ में आता है कि भाई नहीं एग्जीक्यूटिव और सीएससीडी में रात दिन का फर्क है इसके कारण पहला एग्जीक्यूटिव के अंदर बच्चे को अटैंप्ट लग जाता है प्रोफेशनल में आता है तो वो एग्जीक्यूटिव के अंदर भाई अपना पूरा बजवा के आया है तो अब उसको पता है ए भाई यहां पढ़ेंगे पास हो जाएंगे तो जनरली प्रोफेशनल बच्चे बहुत अच्छे से पास हो जाते हैं पहला रीजन दूसरा रीजन एग्जीक्यूटिव के आठ सब्जेक्ट डाइवर्सिफाइड है है ना ई इधर भाग रहा है रोज नया नया एक्ट चालू हो जाता है सेम जे आई जी एल तो दो दिन की छुट्टी मारी है भाई ये क्या हुआ अब तो नया एक्ट चल रहा है कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ थोड़े से कनेक्टेड है अदरवाइज आठ सब्जेक्ट अलग अलग दिशा में जाते हैं टैक्स अलग दिशा का सब्जेक्ट है सीएमए अलग दिशा है एफ एम अलग है एस एम अलग है बट वैन इट कम्स टू प्रोफेशनल आप देखोगे सारे सब्जेक्ट एक दिशा में होंगे आपने अभी तक भी जो लेक्चर देखे होंगे हर लेक्चर के अंदर आपको कंपनी लॉ का रेफरेंस मिलेगा एक लेक्चर नहीं होगा जिसमें कंपनी लॉ का रेफरेंस नहीं मिलेगा हर लेक्चर के अंदर मैं यहां पे दे रहा हूं एग्जाम का क्वेश्चन कंपनी से का क्वेश्चन था उसके केस लॉ पर क्वेश्चन था कंपनी से रिलेटेड ही उसके पहले जो बात है स्वॉट एनालिसिस कंपनी का ही कर रहे हैं हम लोग मोरलेस उसके बाद में आपने कल जो भी अटेंड है आरसीडी डी डी जो ड्राफ्टिंग पढ़ा होगा कंपनी से रिलेटेड तो हर सब्जेक्ट आपका कंपनी लॉ से ही डिवाइड किया हुआ सब्जेक्ट है बिकॉज एज अ सी जो आपको काम करना है वो है कंपनी लॉ में तो प्रोफेशनल में अच्छा क्या होता है कि कंपनी लॉ जो है उसी के बैफर क्रेडेड तो आपको सारे सब्जेक्ट इन लाइन दिखते हैं कभी कभी सब्जेक्ट समझ में आती है कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है सारे एक जैसे दिखते हैं तो ये ब्यूटी है प्रोफेशनल्स की इसलिए प्रोफेशनल्स अगर आप मेहनत करें तो कंपैरेटिवली इजी जाता है आराम से हो जाता है बस वही बात है कि मेहनत करते रहना एक लास्ट एडवाइस सर ये बोल के आपने तीन एडवाइस दे दिए एक लास्ट एडवाइस इसके बाद बात बोलूंगा मैं कुछ भी ये मुझे भी रिसेंटली पता चला था मुझे भी नहीं पता था मुझे रिसेंटली पता चला देर आर क्लासेस अक्रॉस द कंट्री विच वर्क ऑन इंप्रूविंग हैंडराइटिंग मुझे नहीं पता था मुझे लगता था कि वो बच्चों की होती है ऐसे स्कूल के बच्चों बच्चों की होती है मुझे नहीं पता था कि बड़े लोगों की भी इंप्रूविंग हैंड राइटिंग की क्लासेज होती है अगर किसी बच्चे को पुणे में भी है मुझे पता नहीं हाँ मुझसे मुझे कौन सी वाली ये मैंने भी किसी से सुना था मुझे आ, कितने पंद्रह बीस दिन पहले नीलम सर ने बताया था इस बारे में कि जरा क्लासेज इन पुणे और गारंटीड रिजल्ट रहता है उसके अंदर ऐसा कि मतलब आपको डिफरेंस तो फील हो गई तो जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मेरी हैंडराइटिंग का इशू है अभी शुरुआत में आपका टाइम है नौ दस महीने का टाइम है अभी से ही डू समथिंग फॉर इंप्रूविंग योर हैंड राइटिंग अनफॉर्चुनेटली एक और दो चीजें हैं ये इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो इंप्रूविंग ए ये एक ही एडवाइस में काउंट होगा ना ये कैसे दो एडवाइस होगा है? कुछ भी इंप्रूविंग योर लैंग्वेज बिकॉज प्रोफेशनल के अंदर नौ सब्जेक्ट हैं और नौ के नौ थ्योरी हैं सर टैक्स टैक्स थ्योरी है so, text, text, नौ सब्जेक्ट है नौ के नौ थ्योरी सब्जेक्ट है प्रोफेशनल के अंदर मतलब आपका प्रेजेंटेशन हैंडराइटिंग इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लैंग्वेज इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्लास में समझ में आएगा लेकिन उसको लिखते जमना चाहिए और सुंदरता से लिखते जमना चाहिए तो अगर आपको लगता है कि आपका समय है अभी तो लुक फॉर यूट्यूपे पर वीडियो समझ लो कुछ देखो देखो बट ट्राई एंड वर्क ऑन दिस टू इंप्रूविंग लैंग्वेज इंप्रूविंग हैंडराइटिंग फर्दर स्पेशली मैं कह रहा हूँ इंप्रूविंग हैंडराइटिंग इस पर थोड़ा सा काम करो क्योंकि मेरे हिसाब से इस पर अगर पंद्रह दिन काम कर लिया इससे आपके प्रोफेशनल के मार्क्स में बीस पच्चीस मार्क्स बढ़ जाएंगे अभी से और अभी किया तो फायदा क्या होगा जो भी वो रूल्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे लिखना होता है हर सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे वही रूल अप्लाई करना ना तो वो आदत बन जाएगा एग्जामिनेशन तक डू इट इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू उस व्यक्ति को जिसको इस चीज की जरूरत है अब ऐसा कोई मैं वो ऐसा कैसे बताऊं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं लेकिन बालकों की हैंडराइटिंग जनरली वाहियात होती है जनरली ऐसा इसमें एक्सेप्शन होते हैं लड़कियों में भी कुछ होते हैं जिनकी अच्छी नहीं होती होगी लेकिन जनरली ऐसा है तो बालकों को स्पेशली ऐसा है कि बच्चों अगर समय मिलता ना तो एक हैंडराइटिंग का क्लास कर लो या फिर कोई यूट्यूब के वीडियोस देख के उनके रूल्स को फॉलो कर लो एंड ट्राई एंड वर्क ऑन योर हैंडराइटिंग दिस विल रियली हेल्प यू आप रिजल्ट के बाद मुझे दुआ दोगे पंद्रह बीस मार्क्स कम से कम प्रोफेशनल के रिजल्ट में बढ़ेंगे अरे हर एक सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन के कारण मार्क्स बढ़ गए क्या चाहिए एक क्वेश्चन आता है ये वही वाली एडवाइस चल रही है अभी भी एक क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में पांच मार्क्स का क्वेश्चन है आपको फोर मिलेंगे मिलेंग एक -एक तो भाई पचास साठ मार्क्स हो जाएंगे जस्ट so so राइटिंग काम करो बस तो चलो तो so बस ये चीजों का ध्यान रखो ना बेटा जी तो बड़ा मजा आएगा मृणाल ऑल क्लियर सर वेरी सारी टू मीट इन पुणे अरे बिल्कुल आ जाओ सुनो हाँ सब लोग जितने लोग पुणे आ सकते बड़ा मजा आता है मजा ऐसा आता है तूफान बड़ा ही मजा आता है मैं कल बताता हूँ आपको हमारा जो फेस टू फेस बैच चल रहा है ना नहीं 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 मैं बताएगा मैं बहुत सुंदर चीज बताएगा रुको। कल जो हमारा फेस टू फेस बैच चल रहा है ना अभी वो बच्चों ने धावा बोल दिया था बाहर पानीपुरी पानीपुरी स्टॉल पे? ऐसा। so what लड़ झगड़ के आने का नहीं। अरे वाली आंटी परेशान हो गई कि कैसे? <laughs> वो लोग सब लोग खड़े हो गए एक व्यक्ति ने एक खाया घूम के जब तक उसका राउंड आता था नंबर आता था तब तक तो भूल ही जाता था भाई कि पिछले खाया भी है hey भगवान सो ट्राइंग टू मेक यू गाइज अगर संभव है पुणे आना तो बड़ा मजा आएगा आपको एंड आखिरी स्टेज है एंड ओवरऑल ऐसा है कि अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट ग्रूमिंग भी बहुत होती है अलग अलग प्रकार की तो अगर आ सकते हो तो आओ घर पे लड़ झगड़ के आने का नहीं ये नहीं कि वीडियो घर वालों को दिखाओ देखो बोला है उन्होंने जाने का है ऐसा नहीं करना है अगर संभव है तो पुणे आओ आराम से होली के बाद का डेट है मजे से से एंड सब्जेक्ट बहुत अच्छे डेवलप हो जाएगा और अगर संभव नहीं है तो जी जान से घर पे पढ़ो एक एक चीज को तो सेम, से सेम एक्सपीरियंस रहेगा एक भी पुराना लेक्चर नहीं रहता है, इसमें पुराना, पुरा इसी बैच का रहेगा इन बच्चों की शक्लें दिखाते हुए रिकॉर्ड करता हूं मजे में रहोगे लेकिन अगर संभव है तो पुणे आ जाओ बस इतना चलो फॉर सेशन

ए, क्यों पानीपुरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। लगती है क्या क्यों करना है जीडी चलो हम जस्ट करेंगे हम जस्ट करेंगे आराम से बात करता हूँ चलो बाय बाय गाइस बाय गाइस अच्छा क्यों वैसे क्या हो गया कारण हाँ ओह शॉप भी संभालना होता है क्या कौन सा कौन सा शोरूम है भाई छह तक ईवी का अरे कितनी वेटिंग चल रही है भाई वेटिंग कितनी चल रही है अभी तुरंत मिल रही है और कहाँ पे अपना शोरूम